जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार ईमेल मिलते रहते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं। कोई कहता है राहु का उपाय बताइए, कोई कहता है शनि का उपाय बताइए, कोई कहता है कि मंगल का बताइए, कोई गुरु और बुध का उपाय मांगता है। तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांति के पूरे विधि विधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग्य आचार्यों से करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैं आपको नवग्रह से संबंधित जो है वो पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, कैसे उसका लाभ लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के 9 ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहाँ तक कि जल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि, यानी पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रचलित हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है, अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जप जो है वो उसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। इसी तरीके से ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक जातक पर जन्म लग्न, दशा, महादशा, अंतर दशा तथा प्रत्यंतर दशाओं का प्रभाव पड़ना निश्चित है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से 4th, 8th, 12th स्थान की स्थिति का प्रभाव सभी जातक पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिनका विधि विधान से यदि पालन करें तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादि का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए। तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप की सही विधि क्या है ये भी समझ लेना आवश्यक है। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की एक अलग अपनी जप संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करेंगे, तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है, उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए। अब बात आती है चंद्र देवता की। चंद्र देवता की शांति के लिए हम सब लोग जानते हैं महादेव शिव की पूजा से उत्तम कोई उपाय नहीं है। एको देवो महेश्वर हमारे शास्त्र में कहा गया, तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय इत्यादि का जाप करना, नियमित रूप से सूर्य देवता महादेव शिव की पूजा आराधना करना जो है चंद्रमा के दोषों में बहुत चमत्कारी प्रभाव देता है। इसके अलावा पानी वाला नारियल, सफ़ेद चंदन तथा चांदी का चंद्रमा, बिल्वपत्र, सफ़ेद मिष्ठान, भगवान शंकर को भोग लगाएं,
ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि सोमवार को आपको व्रत करना चाहिए तथा ध्यान रख करके सोमवार को सफेद वस्त्र सफेद कपड़े पहने पहाड़ों की यात्रा करें तथा स्व माता के चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी माता जी का चरण स्पर्श रोज करना चाहिए क्योंकि परिवार में ज्योतिष शास्त्र जो है परिवार में माता का कारक चंद्रमा होता है, तो माता का आशीर्वाद लेना उनकी सेवा करना भी चंद्रमा को बलि बनाता है। चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः। जप संख्या है 44,000। हवन समिधा है पलाश की। इस मंत्र के जप से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, पेट व आंखों की बीमारियों से राहत मिलती है। चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा से बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भर करके अपने घर में रखें तो आपको लाभ मिलेगा। वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सफ़ेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु सोमवार का दिन चंद्रमा के नक्षत्र यानी रोहिणी हस्त तथा श्रवण तथा चंद्रमा की होरा में अधिक अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए शुभ होते हैं। तो इस प्रकार से आप उपाय करके चंद्रमा के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलियुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, कलयुग में जब इन ग्रहों की शांति करते हैं तो जो मंत्र संख्या उस समय शास्त्र लिखते समय बताई गई थी तो उसका चार गुना करके जाप करना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने आपको चार गुना की संख्या बताई क्योंकि आप उसमें फिर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको वो चार गुना मंत्र की संख्या बताई है। इस प्रकार सही विधि विधान से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं, तो निश्चित ही इन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आपकी कुंडली में आ रहा है वो दूर होगा। और जब एक बार ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है, तो किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की कामयाबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे, आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार नौकरी शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर। Oh, oh, oh.